चैनल का अधीश जय का भैरव जय मरणिमा। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 15 अक्टूबर शनिवार के लिए है ये रीडिंग एंड लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक। वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, इंडियन टैरो, भारतीय टैरो है ये। देन वी गॉट द फॉर्चून कुकीज एंड वी गॉट द मैसेजेस। ठीक है, तो हम तीनों से रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैरो हमें क्या बताता है। ठीक है, कुछ वक्त के लिए हाथ में थामते हैं। लेट्स मैनिफेस्टेशन है ना, लेट्स कम्युनिकेट। ठीक है, चलो देखते हैं हमें टैरो क्या बताता है आज एंड लाइकवाइज। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द आज की उनकी दिल की बातें। लेट्स फाइंड आउट अबाउट इट मोर। ओके, यस, हमें दो कार्ड्स मिल चुके हैं। तीन और चार कार्ड मेरे हिसाब से मिल चुके हैं। चलो, और हमें दो चार कार्ड चाहिए होंगे। चलो, ये कार्ड आ गया, पांच छह। ठीक है, चलो, सो वी गॉट द सिक्स कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं इन छह कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एज यूजुअल हम करेंगे फर्स्ट कार्ड एंड देन लास्ट कार्ड का कनेक्शन। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्स। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, स्किलफुल, ब्रेव, क्लेवर, रश, इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड जजमेंट, क्लियर बाउंड्रीज, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। एंड जो लास्ट वाला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आई डोंट नो, ओके, इसके पीछे भी एक है, वो है फोर ऑफ वांड्स, एरीज लियो सज। काफ़ी खूबसूरत कार्ड है, इसे मैरिज का सिंबल भी कहते हैं या फिर कनेक्टेड विद मैरिज। क्यों, ये जो सिंबल्स हैं यहाँ पे, ये हम गुड़ी से कहते हैं, गुड़ी पाड़वा जो एक त्यौहार होता है, ठीक है, उसे हम नए साल की शुरुआत भी कहते हैं। सो ये यहाँ पर दिख रहा है, सो एज यू कैन मीन कि बहुत ही खुशहाली भरा समय यहाँ पे हमें दिख रहा है एट द एंड। तो देखते हैं पहले कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, देखो, जो पहला कार्ड है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड इट्स ऑल अबाउट कि हाँ, ये पर्सन कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता है, डायरेक्टली वॉश्ड आउट। ठीक है, अगर आपके मन में इनके बारे में कोई बायस्ड ओपिनियन है, अगर आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये आपको सही चीज़ें नहीं बता रहे हैं, बायस्ड ओपिनियन रखते हैं एंड आपसे चीज़ें छुपाते हैं, तो यहाँ पे रीज़न जो है वो आपके साथ वो कम्युनिकेट करेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जैसे यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर बाउंड्रीज, मतलब कि जो भी आप दोनों के बीच तकरार है वो दूर करना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपको लग रहा है तो हाँ ये उसी बाउंड्री को लेकर चलेंगे, बिल्कुल नहीं, जो भी बाउंड्री है उसको दूर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो हाँ, ये आपसे पर्सनली मिलकर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन कब होगा वो डिपेंड करता है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहते हैं तो ये सुबह भी हो सकता है, दोपहर शाम के वक्त भी हो सकता है, रात के वक्त जब आप, जब सब लोग शांत हो और आप फ़ोन पे हो या फिर आप मैसेज कर रहे हो, तब भी आपको ये जवाब मिल सकते हैं। टेलीकिनेटिक मैसेजेस भी आपको रिसीव हो सकते हैं जो इनकी दास्तां आपको बता दें। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट इट। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कनेक्शन मिलता है फोर ऑफ वॉन्ड्स से। फोर ऑफ वॉन्ड्स से जो कम्युनिकेशन है वो ये है कि ये आपके साथ एक सेटिस्फैक्ट्री कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि ये चाहता है कि भी सेलिब्रेट करे, यानी कि कहीं ना कहीं पे ये आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नेगेटिव चीज़ है वो क्लियर कर रहे हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दैम, यू वॉन्ट टू टॉक टू दैम, ऑफकोर्स यू आर मोर दैन वेलकम। लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि समझना कि इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है और कुछ नहीं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं सेकेंड कार्ड हमें क्या मिलता है, दैट इज ऑल अबाउट द स्टार। ठीक है, ये है एक्वेरियस का साइन एंड इसमें हमें क्या दिख रहा है कि भी बैलेंस, प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, इंसाइट, स्पिरिचुअल लव, होप, फेथ, पर्पस, रिन्यूअल। तो हाँ, ये पर्सन किसी होप के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका पूरा विश्वास भी है, चाहत भी है, विश भी है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी चाहते हो पूरी हो जाए, यानी कि हम विश मांगते हैं पूरे कायनात से, पूरे यूनिवर्स से एंड भगवान से कि भाई एक विश थोड़ी सी पूरी कर दो। अब देखो यहाँ पे हमें डिपिक्शन क्या मिल रहा है,
कि गंगा यहाँ से बह रही है एंड हमें देख रखा है वो कितना है, लेकिन यही गंगा जब विराट रूप लेती है तो क्या होता है। तो हाँ, आपकी जो चाहत है वो मे भी बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका जो कलात्मक रूप है या फिर जब वो फल फूल जाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा वो सब। मतलब जैसे कि आपका शायद विश्व की भाई छोटे से बिजनेस करनी है और आज में भी आपके मोबाइल स्टोर के 26 स्टोर है एंड हर रोज़ का जो प्रॉफिट है वो मिलियंस में है। सो इमेजिन वो कितना बड़ा हो गया है ना। वही बात है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पर्सन रिगार्डिंग बिजनेस भी सोच रहा है एंड इसके मन में ये है कि इसे सक्सेसफुल होना है, इसे विश्वास है कि सारी चीज़ें सही हो जाएं। मेरे हिसाब से ये पर्सन जानबूझ के आपसे दूरी बना रहा है बिकॉज उसको भटकना नहीं है एंड उसको पूरा विश्वास है कि आप इस बात से यू नो वाकिया रखते हैं। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्स, ये चाहता है कि सब चीज़ें जब सेटल हो जाएं, सही हो जाएं, तो ये आपके घर में भी सृष्टा लेके आना चाहते हैं या फिर सबके सामने छाती ठोक के यस दिस इज़ मी जिसके पास इतनी सारी दौलत शोहरत है या फिर जो इतना सक्सेसफुल है। ठीक है, अगर हम इस मायने में कहें तो कैट आ रही है मेरे यहाँ पे, नो यहाँ पे आएंगे नहीं। थर्ड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्स एरियस लियो साज। फोननेस, अट्रैक्शन, कमांड, करेज, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, सोशल बटरफ्लाई एंड वी गॉट द नेक्स्ट जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए डिटर्मिनेशन। यही बात है यहाँ पे, ये डिटर्मिन है मतलब कि उसके दिल में चाहत है और वो उस चाहत को लेके आगे बढ़ रहा है। इसके हिसाब से है कि अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो हाँ आप इसका वेट करोगे। सेकेंडली ये नहीं चाहता कि आप दोनों मिलके कुछ अलग सोचें। ठीक है, मेरे हिसाब से ये रिश्ते में सेंसिटिव तो है लेकिन इतना भी इरिस्पॉन्सिबल नहीं है कि किसी भी लेवल पे इस रिश्ते को लेके चले जाए। ठीक है, तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड माई सेइंग माई वर्ड्स कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक हद में रहते ही बिहेव करते हैं। ठीक है, ये हद से बाहर कहीं नहीं जाते, ये काफ़ी अच्छी बात है इस पर्सन के बारे में। निश कार्ड हुए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एज यू कैन सी, तो फोर ऑफ वॉन्ड्स अगर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का साइन होता है। लीडरशिप, गुड न्यूज, सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशन, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई थिंक ये सबके सामने आपका हाथ थाम के तभी आएगा जब ये इतना कॉन्फिडेंट होगा कि अब वी आर गोइंग टू बी ऑलवेज टुगेदर, है ना, टुगेदर ऑलवेज इन फॉर एवर। तो यही बात यहाँ पे हमें दिख रही है, कहीं ना कहीं ये चाहता है कि सारी चीज़ें सही हो जाए, जो इसने चाहते की थी वो सारी चाहते सही हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड आपका इनको कहना कि डोंट वरी आई एम विथ यू। ठीक है, तो अगर आप इनको सपोर्ट करते हो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा एंड दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वेल, मेरे इस कैट्स की काफ़ी खूबियाँ भी हैं, जैसे कि आपने ये जो देखा होगा कि कैट डोर अगर बंद है तो धक्का मार के थोड़ा सा ढकल के तो मतलब अंदर जाती है, लेकिन इस कैट ने अभी अभी मतलब एक दो दिन पहले हुआ था अंदर से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। कमाल की बात है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्ड है जिसे कि हम इसको देख रहे हैं, कोऑपरेशन, गुड पार्टनरशिप, सक्सेस, प्रोग्रेस, एक्सपांशन, फोरसाइट, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी चुनौतियों का सामना करना इच्छुक है और चाहता है कि बहुत सी चीज़ें उसको मिल जाए एंड इसका जो ब्यौरा है वो पूरा हो जाए, जो ये फर्दर एक्सपांशन करना चाहता है। मे बी ये और मेहनत करना चाहता है और स्टडी करना चाहता है, और सिर्फ स्टडी नहीं उसमें आगे बढ़ना भी चाहता है। तो वो बातें हाँ हमें यहाँ पे दिख रही हैं। जो लास्ट का कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड ये चाहता है कि फाइनली इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, जो वो चाह रहा है वो सब आप दोनों को मिल जाए। ये था रिगार्डिंग द टैरो और अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हम चुनते हैं सिर्फ एक या दो मैसेज जो कि हैं कुकी फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, चलो ये पहला कार्ड आ गया इसलिए मैं इसे लेता हूँ और हम एक और कार्ड लेते हैं। ठीक है, शायद वो मैसेज आपके लिए हो डिपेंडिंग ऑन दैट। चलो एक दोबारा और करते हैं शफल एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो दो तीन कार्ड आ गए। पहला जो कार्ड है वो है विजडम। सो एज यू कैन सी मेरे हिसाब से ये पर्सन दिमाग से काम कर रहा है एंड इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख रहा है। इसमें अब दोनों का बेनिफिट है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये पर्सन पूरी तरीके से विजडम का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स अनदर गुड थिंग। लेकिन अगर हम दो कार्ड देख रहे हैं जिसमें से एक आपके लिए भी हो सकता है, इनके लिए भी प्रॉपर्टी, मे बी ये पर्सन घर बनाने के बारे में सोच रहा है, फिर कहीं ना कहीं अपने घर को रिनोवेट कर रहा है। इफ़ यू आर मैरिड
तो शायद दिवाली की तैयारी करने के लिए पर्सन जुट रहा है या फिर सोच रहा है कि कौन सी खरीदी करनी है, मतलब कौन सी परचेसिंग करनी है एंड कितना परचेस करना है एंड कितने पैसे लगे वो सब मैनेज करने के लगा हुआ है। थर्ड जो कार्ड है वो है इंट्यूशन, ये आपके लिए हो सकता है। इंट्यूशन आ रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी जाने मत दे, उसको अंडरस्टैंड करें। ये छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी, ठीक है। काफ़ी लोगों को लगता है इंट्यूशन ऐसे होनी चाहिए कि मतलब मुझे करोड़ रुपए मिल रहे हैं या फिर यू नो ही लव्स मी शी लव्स मी, नहीं ऐसा नहीं होता। इंट्यूशन की शुरुआत एकदम बड़े सिरे से छोटे सिरे से हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इनको जानने लगते हैं, इनके ऊपर भरोसा करते हैं। इंट्यूशन क्या है एंड फॉल्स अलार्म क्या है, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकी, और अब देखते हैं इस मैसेज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, हमें चुनने हैं सिर्फ कुछ कार्ड, एक कार्ड तो मिल गया और देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। लेट्स गो, ठीक है, दो कार्ड आ गए हैं और देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ज़्यादा कार्ड्स हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ये दो कार्ड लिए हमने, सो दैट्स इट, चार कार्ड आ गए। पहला जो कार्ड आ गया वो है न्यू बिगिनिंग। तो हाँ, ये पर्सन अगर पहले रूड था या फिर उसका ध्यान नहीं था, सो डोंट वरी, नए सिरे से शुरू करने वाला है एक रिश्ता, सो डोंट वरी अबाउट इट। दोबारा से आप उसका एक सही क्यूट सा रूप देखने लगोगे। सेकेंड जो कार्ड है वो है मिसगाइड। तो हाँ, मिसगाइड कौन कर रहा है, आप खुद को कर रहे हो, कोई फ्रेंड आपको कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मिसगाइड कोई भी हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना है। चांसेस हैं कि कोई पर्सन इसको मिसगाइड करे, चांसेस हैं आप भी मिसगाइड हो सकते हो। सो जैसे कि एक कार्ड आ गया था इंट्यूशन, उसके ऊपर बिलीव करें। अगर आपको इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ उसी तरह से बिहेव कीजिए। बाकी अगर आपका इंट्यूशन सही है तो आपको सही रास्ता ज़रूर दिखेगा। थर्ड जो कार्ड है वो है सॉरी, एंड फोर्थ जो कार्ड है एपोलॉजीज। देखो, दोनों कार्ड सेम आ गए हैं, सॉरी एंड एपोलॉजीज। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने रूड बिहेव के लिए या फिर जिस तरह से अभी आपसे पेश आए हैं उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। जाहिर सी बात है, इट इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन कम बैक कर रहा है इन योर लाइफ एंड अब वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता। ये था रीडिंग। आई होप इट वॉज नॉट, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।